आज बनेंगे दिल्ली के फेमस तवा भटूरे। हाँ, तवा भटूरे और पंजाबी छोले। जब भटूरा बनाते हैं तो तेल पी जाता है या फूलते नहीं हैं, क्या हम भटूरे आटे के भी बना सकते हैं? छोले उबालते टाइम छिलका हट जाता है और छोले सॉफ्ट नहीं होते हैं। बहुत सारे सवाल और उन सब के जवाब हैं ये वीडियो। तो शुरू करते हैं स्वाद का सफर स्वाद के मित्रों के साथ में। कैसे हुए मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शैबूपी आपका स्वागत करता हूं अपनी ऑनर्स किचन में। तो यहां पे लिए मैंने 1.5 कप छोले, काबुली छोले, और ये छोटे वाले छोले हैं। आमतौर पे स्ट्रीट साइड में यही छोले इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़े वाले छोले इस्तेमाल नहीं किए जाते। सबसे पहले तो क्या करना होगा, इसको अच्छी तरह से वॉश करना होगा। एक से दो पानी धोने के बाद में इसमें डाल देते हैं पानी। ये तो है रूम टेम्परेचर वाला पानी। इसके अलावा होटल के शेफ लोगों का जुगाड़, थोड़ा सा गर्म पानी। उबलता हुआ पानी नहीं होना चाहिए, मतलब आप हाथ लगा सको इस पानी में, इतना ही गुनगुना होना चाहिए। तो गर्म पानी भी मिक्स कर दिया है, तो इससे क्या होगा, ये सॉफ्ट रहेंगे बिल्कुल। और एक और चीज़ होटल वाले शेफ लोगों की, एक छोटा चम्मच मीठा सोडा। अब मीठा सोडा क्या करेगा, मीठा सोडा इसको सॉफ्ट करेगा, लेकिन उबालते टाइम नहीं डालना है, भिगोते टाइम डालना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे छोलों को हो गए लगभग 6 से 8 घंटे और ये अच्छी तरह से फूल गए हैं। और ये देखिए, हाथ से तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन जिस पानी में हमने इसको सोख किया है वो पानी को हमको फेंकना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर सोडा मिला हुआ है। सोडे के साथ में बॉयल नहीं करते कभी, सोडे के साथ बॉयल करोगे तो इसका छिलका उतर जाएगा। एक बार साफ़ पानी से इसको वॉश कर लेते हैं। तो साफ़ पानी से इसको हमने एक दो बार धो लिया है। एक बात का ध्यान रखें कि गर्मियों में और बारिशों के अंदर इसको ज़्यादा देर तक सोख ना करें। अगर सोख कर भी लिया है तो फ्रिज में रख दें, क्योंकि उसके अंदर बदबू आने लग जाती है पानी के अंदर, गर्मियों में खास तौर से। अब इसी में 2 तेज़पत्ता डाल देंगे और ये रहे आंवला। आंवला क्यों डालते हैं, आंवला कलर के लिए डालते हैं और एक अच्छा सा अरोमा भी आ जाएगा। 7-8 सूखे आंवले हैं। अगर आपको आंवला अवेलेबल नहीं हो पाता है तो आप चाय की पोटली भी डाल सकते हैं, चाय पत्ती होती है ना, उसकी पोटली बना के डाल दीजिए। पानी ज़्यादा नहीं डालना है इसमें, डूब जाए बस इतना ही डालना है, क्योंकि इसी पानी का हम आगे इस्तेमाल भी करेंगे इसको बनाने में, सब्जी बनाने में। तो चलिए इस पर सीटी लगा लेते हैं। तो ये है भटूरे का मेन इंग्रेडिएंट। यहाँ पे मैंने आटा भी लिया है। आपने अक्सर देखी होगी रेसिपीज़ के अंदर आटे का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम आटे का भी इस्तेमाल करेंगे। इसका क्या काम है ये भी आपको बता देता हूँ। इससे क्या होगा, रबड़ की तरह नहीं बनेगा, लेकिन अकेले आटे का नहीं बना सकते हो आप। अकेले आटे का बनाओगे तो पूड़ी बन जाएगी ना, भटूरा कैसे बनेगा। और ये रही सूजी। सूजी क्या करता है, उसको फुला के रखता है, मतलब बैठेगा नहीं, हवा नहीं निकलेगी, उसको हल्का सा क्रिस्प करता है। और मैदे का तो काम है ही मेन। सबसे पहले 2 कप मैदा, मैदे का आधा गेहूं का आटा मतलब 1 कप, और गेहूं के आटे का भी आधा सूजी मतलब कि 1/2 कप सूजी। और सूजी पतली वाली लेना, मोटी वाली मत लेना। यहाँ पे 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर कौन सा वाला, ये वाला, ये आता ना, ये डालना है। अगर ये ना हो तो आप मीठा सोडा इस्तेमाल कर सकते हो। ये क्या डबल रिएक्शन करता है, जब हम पानी से डो लगाएंगे तब रिएक्ट करेगा, जब ये पकेगा तब रिएक्ट करेगा, तो ये अच्छा काम करता है। ये गया नमक और 2 छोटे चम्मच चीनी। एक बढ़िया सा जो कलर आएगा ना फ्राई करते टाइम, उससे आएगा, क्योंकि चीनी गर्म होने के बाद कैमलाइज होती है। सभी ड्राई चीज़ों को पहले मिक्स कर लो। सभी ड्राई चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, उसके बाद डालेंगे दही। ये खट्टा दही है, दही का इस्तेमाल करें, दही से फर्मेंटेशन होता है। 1 कप दही का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहें तो 1.5 कप भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 1 ही कप लेना है, दही तो बढ़िया रहता है इसके अंदर। पहले दही के साथ मिक्स कर लीजिए इसको। जब दही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद में पानी से इसका डो लगा लीजिए। वैसे जो स्ट्रीट साइड में मिलता है ना, उसके अंदर कभी भी दही नहीं डालते, दही महंगा होता है ना भाई, कॉस्ट कंट्रोल का ध्यान रखना पड़ता है। वो सोडा और बेकिंग पाउडर से ही इसको फुलाते हैं। लेकिन दही डालने के 2 फायदे हैं, एक तो फर्मेंटेशन अच्छी होती है, साथ में और मुलायम बनता है, खाने में मज़ा आता है। भटूरे का जो डो लगता है वो थोड़ा सॉफ्ट लगता है, बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, इसकी रोटी बन सकती है, रोटी भी नहीं बन सकती इसकी, इतना सॉफ्ट है ये। सॉफ्ट इसलिए करते हैं क्योंकि फर्मेंटेशन में आसानी रहती है, अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से क्या होगा, मैदा लास्टिक की तरह नहीं बिहेव करेगा, मतलब रबर की तरह नहीं लगेगा, और ग्लूटेन इसका अपडेट हो जाएगा। और एक चीज़ गौर करिए आपने, सिर्फ मैदे का लगाते ना तो हाथों में पूरा चिपक जाता। भाई देखिए कितना गीला आटा है, फिर भी नहीं चिपक रहा, क्योंकि इसमें हमने गेहूं का आटा भी मिलाया है। लेकिन जब ये भटूरे आप खाओगे तो कोई ये नहीं बता सकता कि इसके अंदर गेहूं का आटा भी मिला हुआ है। यहाँ पर डालते हैं थोड़ा सा तेल, लगभग 1-2 छोटे चम्मच।
तेल डालने से स्मूथ हो जाता है। डो के साथ में जो नीडिंग करनी है वो यहीं पे करनी है, फर्मेंटेशन होने के बाद में नहीं करनी है, पहले करनी है। तो लगभग 2 से 3 मिनट हमने इसके साथ में हल्की सी पहलवानी करी। अब तेल लगा के फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं। आधा घंटा बहुत रहेगा, 1 घंटा भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हम 4 से 5 मीडियम साइज के प्याज लेंगे और जिसका पेस्ट तैयार करेंगे हम। मार्केट में जो मिलते हैं ना छोले भटूरे, उसके अंदर जो छोले मिलते हैं उसके अंदर प्याज हमेशा पीस के डाला जाता है। ये हो गया प्याज का पेस्ट तैयार बिना पानी डाले, पानी नहीं डालना है। तो जिस जार में हमने प्याज पीसा था उसको खाली कर दिया है, धोने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। बस उसी में टमाटर भी पीसने हैं। तो यहाँ पे हम 4 मीडियम साइज के टमाटर लेंगे, 10 से 15 लहसुन की कलियाँ, यहाँ पे 4 से 5 मैं हरी मिर्च ले रहा हूँ। अगर ज़्यादा स्पाइसी आपको लग रही है तो इसके बीज निकाल देना। 2 इंच अदरक का टुकड़ा, ये भी इसी के साथ पिस जाएगा। तो यहाँ पर ये टमाटर का पेस्ट भी रेडी हो चुका है। मसाले घोल लेते हैं 1/4 छोटा चम्मच, कलर उठाने के लिए, पीला नहीं करना है इसलिए हल्दी कम डाल रहे हैं। कश्मीरी लाल मिर्च 2 छोटे चम्मच, बढ़िया सा कलर आ जाएगा। धनिया पाउडर 3 छोटे चम्मच, भुना हुआ जीरा 1 छोटा चम्मच, अनारदाना पाउडर 3 छोटे चम्मच। अगर ये आपके पास में नहीं है तो अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो आप, और अमचूर पाउडर भी नहीं है तो आप जो छोले मसाले आते हैं मार्केट का उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें जाएगा पानी और एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। इसके अंदर एक पीली मिर्च का पाउडर भी जाता है, अगर आपके पास में है तो ज़रूर डालें, हम बाद में डालेंगे। तो यहाँ एक कढ़ाई के अंदर 4 बड़े चम्मच हम यहाँ पे तेल डाल रहे हैं। ये साबुत कुछ खड़े मसाले हैं यहाँ पे, जिसमें 1 बड़ी इलायची, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, 5-6 काली मिर्च, 1 छोटी इलायची, 2-3 लौंग और साथ में ये रहा तेज़पत्ता। तेल गर्म हो चुका है बढ़िया सा, सब डाल दो और जैसे ही खुशबू आने लग जाए उसी टाइम ये प्याज डालना। और प्याज डालने के तुरंत बाद एकदम से भाप निकलती है, तो फटाफट से साइड से डाल के हटा लीजिए हाथ। अब प्याज की भुनाई करनी है बढ़िया वाली। कच्चा प्याज होता है ना, उसको ऐसे बर्तन में, हैवी बॉटम के बर्तन में फ्राई करें या फिर नॉनस्टिक पैन में फ्राई करें। अगर पतले बर्तन में करोगे सारा चिपक जाएगा थोड़ी देर में। तो ये देखिए प्याज को भूनते भूनते कैसे बिखर गया है, इतनी अच्छी तरह से प्याज भुनना चाहिए। अगर ये कच्चा रह गया ना तो टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्याज भुनने के बाद में टमाटर को भी मिक्स कर लेते हैं और इसको भी पकाते हैं। टमाटर को बहुत अच्छी तरह से पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसके अंदर लहसुन और अदरक डाला हुआ है ना, तो आप इसको ढक दीजिए। तो ये ढक दिया हमने, गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया, जिसे लगेगा नहीं, खुशबू बरकरार रहेगी इसके अंदर। तो चलिए टमाटर चेक कर लेते हैं, और जो भी पानी भाप से निकलता है ना वापस उसमें ही डालना। बीच बीच में मैंने इसको स्टर भी किया, ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। तो टमाटर यहाँ पर पूरी तरह से नहीं पकाया अभी, लेकिन अभी मसाला हमको डालना होगा, क्योंकि मसाले के साथ भी तो पकेगा। तो ये मसाला हमने पहले से घोल के रखा हुआ है, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब गैस की फ्लेम को आपको कम रखना पड़ेगा, क्योंकि मसाला पकेगा ना। आप चाहें तो इसको ढक भी सकते हैं, आराम से धीमी धीमी आंच पे पकता रहेगा। मसाला पकने की पहचान, एक तो कढ़ाई छोड़ने लग जाएगा, कढ़ाई पे चिपकेगा नहीं, दूसरा दानेदार हो जाएगा। ये देखिए दानेदार हो गया, कलर भी काफ़ी डार्क हो गया है। तो अब डालेंगे इसके अंदर छोले। कुकर का प्रेशर यहाँ पर रिलीज हो चुका है, तो चलिए चेक कर लेते हैं कि छोले हुए हैं या नहीं हुए। कलर देखिए आप, बिना चाय पत्ती के कलर कितना प्यारा आया है। और हमने इसको निकाल के किसी बर्तन में नहीं रखा है, पानी में ही डूबे रहने दिया है, इसका छिलका भी नहीं हटा है। और इसको हल्के हाथों से दबाएंगे ना, ये देखिए दबाइए। वैसे आपको पता है शेफ लोग कैसे करते हैं, दीवार पर मारते हैं सीधे। अगर दीवार पर चिपक गया ना मतलब हो गया है। वैसे अभी मैं दीवार पर नहीं मार रहा हूँ, आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, ये देखिए कितना सॉफ्ट है। लेकिन जो तेज पत्ता है वो हटा देते हैं इसमें से, और जो आंवला के टुकड़े हैं बड़े बड़े से वो भी हटा देते हैं। इनका काम हो गया ना, कलर आ गया है, हटा दीजिए इनको। 1 बड़ा चमचा पहले हम सिर्फ छोले डालेंगे और इसको इस तरह से प्रेस करेंगे, ये देगा हमारे छोले में एक थिकनेस। अब जो बाकी बचा हुआ छोले हैं वो भी डाल देते हैं, और जो उसका पानी है ना वो भी डाल दीजिए, इसी में तो टेस्ट है। अब मसाले के साथ में इसको करना है मिक्स बढ़िया वाला। यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी की मुझे आवश्यकता लग रही है, तो थोड़ा सा गर्म पानी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मसाले के साथ भी तो बॉईल करना है इसको भी, तभी तो मसाला नमक सब इसमें जाएगा। लेकिन नमक तो डाला नहीं अभी, तो ये डाल दीजिए थोड़ा सा नमक, और ये रहा थोड़ा सा काला नमक 1 छोटा चम्मच, गंधक वाला फ्लेवर आएगा मस्त वाला। अब मसालों के साथ में इसको लगभग 3 से 4 मिनट उबालेंगे। टेम्पटिंग लग रहा है ना। 1 छोटा चम्मच पीली मिर्च का पाउडर, इससे करंट आएगा, करंट मतलब जो स्पाइसनेस आएगा वो थोड़ा सा टैंगी लगेगा। जो मिर्ची डाली है उससे अलग है इसका टेस्ट, अगर आपके पास में है तो ज़रूर डालना।
और ये देखिए छोले मसाले का कलर देखिए आप, टेक्सचर देखिए, आ रहा है ना मुँह में पानी। अगर इस तरह का छोले मसाला घर पे बन जाएगा तो बाहर जाने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं भाई, मज़ा आ गया। और फिनिशिंग करते हैं, कसूरी मेथी, रोस्टेड कीवी हाथों से क्रश करके डाल दीजिए एक बड़ा चम्मच। नाम का गरम मसाला डाल रहा हूँ, वैसे भी हमने इसमें खड़े मसाले डाले हैं, तो नाम का गरम मसाला डाल दीजिए, ज़्यादा गरम मसाला अच्छा नहीं लगता है। और ये रही श्रद्धा, धनिया श्रद्धा के अनुसार जाना ही जाना है। गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और मेरा प्यार एक बड़ा चम्मच देसी घी, बस अब आएगा इसमें मज़ा, क्योंकि हमने गरम मसाला डाला है ना, तो कवर कर दीजिए, खुशबू उड़ जाएगी। अब बनाते हैं भटूरे। तो यहाँ पर डो को हो गया लगभग एक घंटा, और ये देखिए फर्मेंटेशन देखिए कितना प्यारा हो गया है। तो बस एक बार इसको समेट लीजिए, इसकी थोड़ी सी हवा निकालनी होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है इसको। अब इसके पेड़े तोड़ते हैं, सबसे पहले हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। अब जितने बड़े आपको पेड़े चाहिए उस हिसाब से पेड़े निकालिए इसके। वैसे घर की जो कढ़ाई होती है वो तो छोटी होती है, ये गोल गोल करके इनको रख लेते हैं। तो यहाँ पे किसी बेलन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, आज प्लेट से भटूरा कैसे बनता है ये दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कितना ईजिली ये यहाँ पे नीचे जा रहा है। कई बार क्या होता है कि हम भटूरे बेलते हैं वो चिपक जाता है या खिंच जाता है, फट जाता है, इसमें ऐसा नहीं होगा। हल्का सा ऑयल ज़रूर लगा रहना चाहिए चारों तरफ से, वरना इस प्लेट में चिपक जाएगा। वरना भटूरा हल्का सा मोटा होना चाहिए, हल्का सा। ये लीजिए भटूरा हो गया, कितना ईजिली निकल चुका है ये। अब फटाफट से फ्राई कर लेते हैं, और तेल देखिए कैसे धुआंदार गर्म हो रहा है, और ये गया भटूरा इसमें। फटाफट से इसको इस तरह से किया, कढ़ाई हल्की सी बड़ी चलेगी और फूल जाएगा ये बलून की तरह। और फटाफट से टर्न करो, क्योंकि तेल बहुत गर्म है ना, और हलवाइयों के पास क्या होती है बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं, फटाफट फटाफट ऊपर से तेल डालते हैं वो लोग। और ये लीजिए शानदार वाला भटूरा रेडी, भटूरे बन गए। अब तवे पे जाएंगे, तेल वेल कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डालना है। तेल तो ऑलरेडी बहुत है इसमें, तेल में तो फ्राई हो गया है। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लीजिए। अब क्या होगा कि क्रिस्पी होगा बाहर से, ये देखो कलर हुआ ना चेंज हल्का सा। और मैंने कहा था ना आपको तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, तेल ऑलरेडी आ जाएगा अपने आप। कभी कभी ऐसा होता है कि भटूरे बना के रख दीजिए और इस तरह से सेक सेक के दीजिए, और भी मज़ेदार लगेंगे। और ये लीजिए बाहर से क्रिस्पी हो गया, अंदर से तो सॉफ्ट है ही, शानदार लग रहा है ना। अब सर्व कर लेते हैं। और ये लीजिए हमारे तवा वाले छोले भटूरे रेडी हो चुके हैं। भाई छोले देख के तो मुँह में बहुत पानी आ रहा है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।